जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस धरती को नमन करते हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया आज एक जलवायु संकट के कारण दौर गुजर रही है, जलवायु संकट के दौर से गुजर रही जा रही है। आपने देखा हाल के दिनों में भीषण गर्मी पड़ी थी जाकर, हीट वेव था जाकर, आज भी देख रहे होंगे इस मौसम में कितनी गर्मी पड़ रही जाकर, उमस जाकर, और अनेक कैजुअल्टी हुई जाकर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया लोगों, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम हर व्यक्ति लगाए जाए। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 जुलाई को वन महोत्सव के मौके पर राजधानी पटना से उन्होंने संदेश दिया है बिहार वासियों को कि बिहार में झारखंड बंटवारे के बाद मात्र 7% जंगल रह गए थे, वो बढ़ाकर 15% कर दिया, 17% का लक्ष्य। माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार में हर व्यक्ति पौधा लगाया जाए। उसी क्रम में हमने नारा दिया है, हमने पर्यावरण यात्रा हम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हमने 1 जुलाई को वैशाली लोकतंत्र के जननी वैशाली की धरती से प्रारंभ किया जा करते हैं, और वहां से हम लोगों ने वन महोत्सव शुरुआत किया था। और हमारा प्रयास है कि बिहार में 38 जिले, 38 जिले में 4 करोड़ 28 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। हम जंगलों के अंदर, जंगल के बाहर, लंगे जो दक्षिण बिहार के पहाड़ जाकर के, नदियों के तराई में जाकर, नेशनल हाईवे हमारा जो है स्टेट हाईवे है, पश्चिम मांग की सड़कें जाकर के है, इस तरह से जिले में हमने तय किया लक्ष्य, मतलब 8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा जाकर के। आगे हम 1 जुलाई को हमने प्रारंभ किया था, 1 जुलाई के बाद हमने भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, गया, और अभी आगे बक्सर जा रहे हैं। फिर आगे प्लान हमारा है कल के बाद भागलपुर, मुंगेर, जमुई, एक प्रयास प्रतिहार में गया था, कई जिलों में जा चुका हूँ, और आगे प्रयास कि बिहार के हर जिले में जाकर एज एक जिम्मेवारी जो मुझे मिली, उस जिम्मेवारी के तहत हर जगह जाकर लोगों से अपील करें, आग्रह करें, उसमें पत्रकारों की भूमिका होगी। योजना संपोषण के साथ है, और संपोषण में है तो निकौनी है, पानी है, सारी चीजें आप देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था की गई है ताकि पौधा सुरक्षित और बचा हुआ रहे। बिल्कुल सब सही का आपका सवाल है। अभी मैं मानती हूं नितिन गडकरी साहब को पत्र लिखा है, जो नेशनल हाईवे बिहार में है इसकी वाइडनिंग हो रही है, 4 लेन सिक्स लेन, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। जाकर हम आग्रह किया है, साहब ने कहा है कि यदि सड़क पेड़ दोनों तरफ मान लीजिए सड़क जा रही चौड़ा करना, दोनों पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ मत काट दीजिए, पेड़ रह दीजिए, अब बगल बाएं जाएं उसका विस्तार कीजिए, पेड़ वाला बचा रह जाएगा, और फिर आगे होकर के बाएं जाएं वो जमीन उपलब्ध करा दीजिए 30 फीट कम से कम वृक्ष लगा सके। इस संबंध में नेशनल हाईवे मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार में है, पत्र लिखा है हमने, मिलने भी जा रहा हूँ। जो बिहार में जो NH हमारे स्टेट हाईवे है, सड़कों पर पेड़ लगाने की योजना बना रहे हैं, आने वाले समय में आबादी बढ़ रही है, गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, उसका असर हर व्यक्ति पर हो रहा है, इस तरह से मतलब आज हीट वेव चल रहा है, गर्मी पड़ रही जाकर के, आने वाले समय पानी का संकट होगा, इसीलिए उससे निपटने के लिए हम तैयारी किए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आशा है कि आप सब चाह रहे हैं निश्चित तौर पर।